नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी का शीत के समय में फिर एक बार कोरोना का आगमन हो चुका है। क्या इसी कोरोना के आगमन के साथ फिलहाल कॉलेज का खोलना क्या सही निर्णय होगा? आइए देखते हैं दमन में शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं। कल 7 दिसंबर 2020 से कॉलेज खोलने के लिए जो आयोजन किया जा रहा है, आइए सुनते हैं कि दमन के शिक्षा अधिकारी ने क्या निर्णय लिया है, क्यों इस प्रकार का इस महामारी में कोरोना के महामारी के चलते इस प्रकार का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन पवन सिसोदिया के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। सांप्रत परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संघ प्रशासन दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने 7 दिसंबर 2020 से संघ प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि कॉलेज को पुनः प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके लिए एक डिटेल SOP भी जारी की गई है। हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में ये पहला प्रदेश होगा कि जहां पर कॉलेज को पुनः प्रारंभ करने का ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा कॉलेज में जितने भी छात्र एवं छात्राएं आने के लिए अनुमति देने वाले हैं, उसके लिए सभी अभिभावकों का अनुमति पत्र आवश्यक होगा। पेरेंट के कंसेंट के बाद ही उन्हें हम कॉलेज में अलाउ करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि कॉलेज 50% कैपेसिटी के साथ चालू किए जाएंगे। जहां तक COVID-19 प्रोटोकॉल की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक अंतर, मास्क का उपयोग, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग, ये सभी नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा फैकल्टी को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि किस प्रकार पूरे कैंपस में जो COVID-19 के प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए और किस प्रकार जो सभी छात्रों की जो स्वास्थ्य की सुरक्षा उसको ध्यान में रखा जाए। साथ में ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि कॉलेज प्रारंभ करने से पूर्व जितने भी फैकल्टी है, स्टाफ मेंबर है, उनका COVID-19 टेस्ट होगा। जहां तक छात्रों की भी बात है, सभी छात्रों के लिए भी रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 7 दिसंबर 2020 से जो प्रदेश द्वारा निर्णय लिया गया है, ये केवल जो उच्च शिक्षण संस्थान है, कॉलेज है, उस कॉलेज को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। अभी तक जहां तक स्कूल्स है, स्कूल्स के लिए ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। आगे की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि ये MHA की जो गाइडलाइन है, UGC की जो गाइडलाइन है, उस पूरे गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए और जो प्रदेश द्वारा एक डिटेल SOP जारी की गई है, उसके मापदंड के अनुसार, उस गाइडलाइन के अनुसार हमारा ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा के प्रारंभ के साथ साथ बच्चों की जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है वो हमारी प्राथमिकता होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी जारी रहेंगे और दोनों मोड में शिक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है।